हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो है जो आर्मपिट वैक्सीन से रिलेटेड होने वाली है। मैंने आपके साथ बहुत सारी वैक्सीन की वीडियो शेयर की हैं, जिसमें कि एलोवेरा वैक्स से कैसे करें आर्मपिट वैक्सीन, रिका वैक्स से कैसे करें, मिल्की वैक्स से कैसे करें, रिका वैक्स के अलग अलग फ्लेवर, तो हर तरीके की वैक्सीन की वीडियो मैं आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर कर चुकी हूँ। तो इस बार मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था, मैम आप ब्राजीलियन वैक्स से कैसे आर्मपिट वैक्सीन करते हैं उस टाइप की वीडियो शेयर करो। तो ये वीडियो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। तो सबसे पहले आपने ब्राजीलियन वैक्स को एक हीटर में डालकर गर्म कर लेना है, और इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस वैक्स को एक बार तो आपको पूरा ही गर्म करना पड़ेगा, पर गर्म करने के बाद आपने इसे ठंडे होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि यह क्लाइंट को कि स्किन पे गर्म लगेगी या ठंडी, पहले अपनी स्किन पर लगा कर देख लें। और क्योंकि अगर यह वैक्स गर्म लग जाती है तो इससे स्किन बर्न हो सकती है, स्किन पील भी हो सकती है। बस यह वैक्स करना मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इस वैक्स को कैसे यूज़ करें, पर यह वैक्स करना कोई आसान काम नहीं है। इस वैक्स को करने के लिए आपको बहुत प्रिकॉशन रखना होता है। आप एक तो यह देखें कि इसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर आप इसे ठंडे में लगाते हो तो इसमें से तार निकलने लग जाती हैं, जैसे कि इसमें से निकल रही हैं। पर मैंने बिल्कुल भी इनकी स्किन के हिसाब से, जैसे ये टीनेज गर्ल है, काफ़ी सॉफ्ट स्किन है, तो मैंने वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं लगाया, इनको ठंडी ही वैक्स लगाई है। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा गर्म वैक्स लगाते हैं तो स्किन बर्न हो जाएगी, तो ऐसे में स्किन में ब्लैकिश आ जाती है, तो बाद में स्किन को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जब भी आप वैक्सिंग करें तो वैक्स की जो तासीर है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और उसके बाद आपने हेयर्स की डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। इसकी एप्लीकेशन आपने थोड़ी थिक ही रखनी है, ज़्यादा पतली एप्लीकेशन करोगे तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाएगी। लगाने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसे प्रेस करना है ताकि सारे के सारे बाल वैक्स की पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरीके की वैक्सिंग स्ट्रिप का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए अच्छे से हम इसे प्रेशर डाल के दबा रहे हैं ताकि सारे के सारे बाल पट्टी की पकड़ में, वह स्ट्रिप की पकड़ में आ जाएं। उसके बाद एकदम से झटके से नहीं खींचना, थोड़ा थोड़ा सा आप करते हुए खींचते चले जाएं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके सारे के सारे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। आप नीचे की साइड जो वैक्स लगाई है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसको भी आप अपोजिट डायरेक्शन में आराम आराम से पुल कर दो। पर आप इस वैक्स का यूज़ करते समय यह ध्यान दें कि स्किन को बहुत अच्छे तरीके से आपने स्ट्रेच करना है, जिस जिस हिसाब से इनके हेयर की डायरेक्शन की उस हिसाब से हमने वैक्सिंग जो है वैक्स लगा रखी है उसे अच्छे से पुल कर दिया। ये लगाते लगाते ही हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसे अच्छे से इसलिए प्रेस किया था ताकि सारे के सारे बाल पट्टी की पकड़ में आ जाए। अब इनके जो हेयर्स की डायरेक्शन है साइड में जा रही है, तो वो हेयर्स रह गए हैं। अब हम वैक्स की एप्लीकेशन वहाँ करेंगे जहाँ इनके हेयर्स रह गए हैं, क्योंकि इस वैक्स की रीएप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हो, पर फिर भी किसी भी वैक्स की रीएप्लीकेशन आपको दो बार से ज़्यादा अधिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी स्किन पील होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद मैंने वैक्स लगाई है इनकी जैसे हेयर्स की डायरेक्शन है, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हेयर्स रह गए हैं और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, यानी कि इसमें कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें किसी भी तरीके की कोई भी हमने कटिंग नहीं की, कोई भी इसमें हमने ऐसा नहीं किया कि स्पीड बढ़ाई हो। नॉर्मल प्रोसीजर से जिस तरीके से वैक्स यूज़ होती है उसी तरीके को आपके सामने पेश किया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है। और प्रॉपर तरीके से देखिए, वैक्स लगाते लगाते ही यह ठंडी हो जाती है। इतना आप फिर अच्छे से प्रेस करें और फिर अच्छे से स्किन को स्ट्रेच करते हुए वैक्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर दें। काफ़ी हद तक इनके हेयर्स रिमूव हो गए हैं और प्रॉपर सारे हेयर्स इनके निकल गए हैं। फिर जो एक दो हेयर एक्स्ट्रा रह भी जाते हैं तो आप वैक्स की रीएप्लीकेशन ना करके आप उसकी जगह थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इनके सारे के सारे एक्स्ट्रा हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे। ऑलमोस्ट इनकी वैक्स कम्प्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आपने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल और उसकी बहुत अच्छे तरीके से मसाज करनी है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।